पंजाब विधानसभा चोणां दा बिगल वज चुक्या है, चोण जाबता भी लागू हो चुक्या है। जिला गुरदासपुर के सत्त विधानसभा हल्कियां दी जेकर गल कीती जावे तां जिला प्रशासन इस दीआं तैयारियां विच जुड़ चुक्या है। जिले के चोण अफसर डिप्टी कमिश्नर मुहम्मद इशफाक दे वल्लों अज राजनीतिक पार्टियां दे नुमाइंदियां अते जिला प्रशासनिक अधिकारियां नाल इक मीटिंग कीती गई। इस मौके गलबात दौरान मुहम्मद इशफाक का कहना सी कि चोणां दीआं तैयारियां नूं लैके 14 फरवरी नूं वोटां पाईआं जा सकणगीआं अते 10 मार्च नूं गिणती का काम शुरू होवेगा, जिस विच जिला विच वोटिंग की गिणती अते सेंटर सुखजिंदरा कॉलेज गुरदासपुर विखे बनाया गया अते वोटिंग मशीनां नूं लैके अते स्टाफ भेजण लई अलग अलग जगह ते सेंटर बनाए गए ने। उन्हां दस्सिआ कि वोटिंग स्टाफ लई कोरोना दीआं दोवें डोजां लगवाउणियां जरूरी होणगीआं अते हर वोटर बूथ उत्ते भी कोरोना टैस्ट की स्टाफ मौजूद रहेगा। उन्होंने दस्सिआ कि जिले में कुल वोटर की गिनती 12,72,064 है, जिस विच पुरश वोटर 6,71,009 हैं, 6,958 महिला वोटर हैं, बाकी 27 थर्ड जेंडर, 10,400 दिवंग, 396 प्रवासी भारती, 17,596 नौजवान वोटर शामिल ने। जिले अंदर वोटिंग करवाने 1574 पोलिंग स्टेशन बनाए गए ने। दिवंग 80 साल तो उपर COVID-19 तो प्रभावित वोटर पोस्टल बैल्ट की सुविधा दिती जाएगी, जिस विच पूरा पोलिंग स्टाफ उसके घर जाएगा और उसकी वोट पवाएगा। 139 पोलिंग 215 पोलिंग बूथ सेंसिटिव हैं, 32 बूथ बहुत सेंसिटिव हैं। आओ देखते हैं होर की कुछ कहना से उन्होंने। सो अज असी जिला गुरदासपुर के साढ़े जिन्हें भी पोलिटिकल पार्टीज ने उन्होंने नुमाइंदों बुलाया ताकि चोण बारे फॉर्मल जी है जानकारी दी जा सके। सो सारे पता ही है, TV से बार बार आ चुके है कि साढ़े जी नोमीनेशन जी नोटिफिकेशन होनी है वो 21 जनवरी होनी है और जी लास्ट डेट है वह 28 जनवरी है नोमीनेशन फाइल करन दी, और चोणा जड़िया ने वो 14 फरवरी होनी ने, काउंटिंग 10 मार्च होनी है। सो ये साडा जिहड़ा प्रोसैस है ये सारा TV ते भी आ चुके है। ये गुरदासपुर जिले के विखे 7 विधानसभा हल्के ने, 7 विधानसभा साढ़े जिहड़े काउंटिंग सेंटर है वह सुखजिंदरा कॉलेज विखे बनाया जाएगा, उत्थे ही काउंटिंग होएगी। पर जिहड़े मतदान वास्ते समान देना है वह साडा डिफरेंट प्लेसिस ते जाना है, जिवें कि दीनानगर हल्के दे लई जिहड़ी वोटिंग मशीनां जां मटीरियल जारी होएगा वह बेअंती यूनिवर्सिटी तो होएगा, ते कादियां हल्के ते गुरदासपुर हल्के दे सुखजिंदरा कॉलेज तो होएगा, और फतेहगढ़ चूड़ियां दा जिहड़ा है सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल फतेहगढ़ चूड़ियां, और जिहड़ा वीर बाबा नानक दा गवर्नमेंट बॉयज स्कूल इत्थे होएगा गुरदासपुर तो, और जिहड़ा साडा श्री हरगोबिंदपुर है उहदा बाबा नामदेव यूनिवर्सिटी कॉलेज किशनकोट घुमान दे विच होएगा। सर कुल किन्ने बूथ ने जी और किन्ने सेंसिटिव किन्ने वेरी सेंसिटिव? हाँ जी एक इधर जाके ना। सो साढ़े जी इस वेले 1554 असीं बूथ बना रहे हैं, 1553 पहला बन चुके ने, एक ऑगजिलरी होर बन रहे हैं, 1250 वोटां एक बूथ दे रेशो दे नाल, और असीं जो हुण तक पुलिस ने ते साढ़े जिहड़े सिविल दे सैक्टर ऑफिसरस ने उन्होंने जो मैपिंग की है 139 वल्नरेबल पोलिंग लोकेशनस ने, और पोलिंग स्टेशन 215 ने जिहड़े वल्नरेबल ने, और उस तो बाद साढ़े जिहड़े क्रिटिकल बूथ ने 32 ने, 29 पोलिंग लोकेशन 32 साढ़े वो ने, और सर जी एक्सपेंडिचर सेंसिटिव पॉकेट्स बनाई ने वो 17 पोलिंग लोकेशन ने और 28 पोलिंग स्टेशन ने। सो ये साड़ी जी बूथा की गिनती है, जो हल्का वाइज भी गल करिए गुरदासपुर हल्के 208, दीनानगर के 229, कादिया 223, बटाला 201, श्री हरगोबिंदपुर 226, फतेहगढ़ चूड़िया 226, डेरा बाबा नानक 241, टोटल 1554। हाँ तो साढ़े को जो हूँ तक रजिस्ट्रेशन हुई है वो 12,72,000 साढ़े 12,72,064 वोटर ने, जिदी जो सर्विस इलैक्टर 16,470 ने, 16,661 आप ने, 191 उन्होंने स्पाउसिज है। टोटल साढ़े जे 18-19 की एज ब्रैकेट के वोटर आए हैं वो 17,596 है, 36,432 80+ वोटर ने, और 10,416 साने PWD वोटर मतलब परसन विद डिसेबिलिटी, और NRI 396 ने। सो इस बार असी इलैक्शन कमीशन एक बड़ा अच्छा मौका दिता है कि जेडे 80 की उम्र तो बद इलैक्टर ने जा PWD डिसेबल वोटरस ने वो चाहन जे तो फार्म 12D भर के पोस्टल बैलेट एक्सरसाइज कर सकते हैं,
वो पोलिंग बूथ की पूरी एक टीम उन्हें घर चल के आएगी। सो ये सुविधा पहली बार दी जा रही है। ये जेडे कोई कोविड तो डर लगता है, उम्र ज़्यादा हैगी, हाई रिस्क ने या नहीं आ सकते, वो यदा लाभ उठा सकते हैं। ये एक फार्म 12D उन्होंने पहले अप्लाई करना पड़ेगा BLO के राही, तो जिन्होंने फार्म 12D मिल जाएगा पूरे का पूरा पोलिंग स्टेशन के घर जाएगा, मतलब प्रिजाइडिंग अफसर होएगा, जो जो पूरी टीम होंगी जाएगी नाल, पोलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट जाएंगे नाल, पुलिस जाएगा, ईवन सीक्रेसी मेनटेन करने वास्ते जो कंपार्टमेंट है वो भी नाल जाएगा। सो ये समझ लो भी पोलिंग बूथ पूरा घर चल के उन्हें जाएगा। सो पहली गल तो सानू हुण तक यकीन नहीं बना लिया कि साढ़े 99.9% जो पोलिंग स्टाफ है वो डबल वैक्सीनेट हो चुके, और हुण असीं कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिकॉशन डोज भी अलाउ कर दी है, सो जिन्हों 6 मिनट 9 मिनट के बाद हो गए हैं वो जरा पोलिंग ड्यूटी उन्होंने थर्ड डोज भी लग जाए, सो वो की होगा कि कोविड बचा रहेगा। दूसरा, हर पोलिंग बूथ के उपर सने एक आशा वर्कर ड्यूटी लाई है, उत्थे थर्मल स्कैनिंग भी होएगी और उत्थे ग्लव भी मिलेगा पाउण वास्ते, और जेकर किसी नूं कोई प्रॉब्लम है तो वो अलग तौर पर मौका मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ जाता है वो वक्री लाइन लगी, वो बाद मौका मिलेगा। सो बेसिकली साड़ी जिला वैबसाइट है, पहला सानू तो जानकारी दी है कि साढ़े जो रैली ग्राउंड ने, हालांकि 15 जमी तो रैलियां सारे बंद ने अजय, पर अल्टीमेटली जो इलैक्शन कमीशन हदायत आनगियाँ तो असं 27 ग्राउंड आइडेंटिफाई किए हैं और वो सारे पार्टियां वास्ते ओपन ने, वो फस्ट कम फस्ट सर्व बेसिस के उपर है, RO तो परमिशन लै सकते हैं, मैंने ऑलरेडी RO लागू कर दी है। प्लस साढ़े जिन्हें भी सने ऑर्डर जारी किए हैं, सानी टीमों का गठन किया, सारे डेटा उत्थे अवेलेबल है। शराब की तस्करी रोकने वास्ते मैं एक एक्सट्रा स्टैप लाए ने, असी 5 टीम दरिया ब्यास के लाइया ने, कोई मंड के इलाके मौजपुर एरिया के होर एरिया के बड़ी शिकायत आदियां सी, उत्थे बड़ी नजायज़ शराब निकलती है, असी पिछले 7-8 दिन उत्थे काम कर रहे हैं और सने बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी के तरपाला लाहन भट्ठिया तोड़िया ने, डिस्ट्रॉय कीतिया ने, और मैं लखां डिस्टेंस से शराब डिस्ट्रॉय कर दी है, और असी उत्थे किश्तियां भी ला के दे दी ने और लगातार चैकिंग कर रही ने। इनफैक्ट साडा सब तो ज़्यादा वल्नरेबल पॉइंट है वो मौजपुर है, उत्थे असी पक्का ही अज CCTV कैमरा चालू हो जाएगा ताकि जो कोई बंदा उत्थे शराब का काम करने वास्ते आएगा रोके जाएगा। ये नाल सने 7 टीमों का गठन किया है जिड़े कि वेयर हाउस चेक कर रहे हैं, क्योंकि शराब नजायज इकट्ठी करके किसी स्टोर रखी जाती है ताकि वोटों का 1-2 दिन पहले वंडी जा सके। उन्होंने कोई ना कोई जिन्हें भी असी एक्साइज विभाग तो जानकारी लैके गडाउन ने कोई बंद पे शैलर ने या चलते भी शैलर ने जिते भी खदशा हैगा वो सारी टीमें लगातार चैक कर रही ने। इस प्रकार साढ़े 7 टीमें होर एक्सट्रा कंस्टीट्यूट कीतियां ने जिड़े कि साढ़े कैमिस्टा चैक कर रही ने, जे किसी कैमिस्ट को इदा की दवाई है जी कोई नशा वाली है वो भी लगातार चैकिंग हो रही है, डेली रिपोर्ट हो रही है। इस प्रकार साढ़े जिन्हें भी लिकर वेंड ने चाहे वह लाइसेंसी हैं जायज़ ने उन्होंने स्टॉक भी साड़ी जी टीम ने गाहे बगैर चैक कर रही ने, हर ठेके के उपर स्टॉक मेनटेन करना कंपलसरी है। सो साड़ी टीम जाकर देख दिया ने कि स्टॉक रजिस्टर से किन्ना शराब लिखी हुई है और किन्नी मौके पर उपलब्ध है और जो उन्होंने स्टोरेज पॉइंट वो भी चैक हो रहे हैं। इस प्रकार करंसी के फैलाव वास्ते असी लीड बैंक मैनेजर को हदायत जारी करती ने कि जोड़ा भी कोई 5,000 उपर का विड्रॉल 5 लाख तो उपर का विड्रॉल होएगा कैश का वो सूचना सानू मिलेगी, जो 10 लाख का मिलेगा वो तुरंत आएगी, और इनकम टैक्स विभाग द्वारा एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर नाल लगाए गए हैं इंटरनल साडे मोनिटरिंग टीम के जोड़े कि डिप्टी कमिश्नर लैवल के बंदे ने, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, वो सारे दी करनगे। सो जिन्हें भी कोई इदा के बंदे मनी लैंडर्स ने या इदा के कोई लोग ने जोड़े सोचते हैं कि असं गलत काम कर लेंगे वो इनकम टैक्स विभाग के रडार से रहेंगे, उन्होंने उपर भी पूरी चैकिंग होएगी और असी बैंकों तो जोड़ा भी कैश विड्रॉल का रिकॉर्ड है वो लगातार अपने रेकरिंग बेसिस से लवेंगे। मंतव एक ही है कि ना पैसे का दुष्प्रभाव पवे ना नशे का प्रभाव पवे, फ्री एंड फेयर इलैक्शन हो। सर आम तौर पर जिला प्रशासन तो इलैक्शन कमीशन हदायत कर देंगे ने कि अपने वैपन्स जमा करवाए जाए, पर बहुत सारे वैपन्स नहीं जमा होंगे और देखने को मिलता कि पोलिंग वाले दिन उन्हों की दुरवरतों की जाती, कि उन्होंने इस बार कोई खास हदायत खास सजा का प्रावधान किया। पहली गल तो जी अभी बहुत ही घट बंद अलाउ कर रहे हैं, सिर्फ जिम्मे बैंकों के कोई सिक्योरिटी चाहिए है वैपन रखने की, मेरे को न्यूमरस रिक्वेस्ट आई ने, मैं कोई रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं कर रहा। असी कमेटी का गठन किया जिद ADC जनरल साढ़े चेयरमैन ने और 2 SP हेडक्वार्टर मैंबर हैं, जिन्हों को किसी लगता है मैं लाइसेंसी वैपन रखना चाहना, मैंने कोई सिक्योरिटी परसैप्शन है तो उन्होंने कोई कंक्रीट एविडेंस देकर लाइसेंस रखने की आग्ञा मिलेगी, और जेकर सूँ कोई पाया गया कि किसी ने लाइसेंस वैपन रखा हुआ है और वो मिस कर यूज कर लैसन तो उस वे कैंसल करेंगे। सो आई बिलीव वेरी स्ट्रिक्ट जिमें कि मैं हमने दस है कि सू इलैक्शन कमीशन हदायत आई हैं कि कोई काम है बैकडेट से नहीं होना चाहिए, असं कल हदायत पास नहीं कीतियाँ, उस वे चिट्ठी बना के सारे अफसरों की रिपोर्ट ली है
कि अपना डिस्पैच नंबर दसो की है, लास्ट नंबर की है, और रजिस्टर क्लोज करो। पहला तो मैं डीसी ऑफिस के रजिस्टर सारे क्लोज किए हैं आप, ताकि डीसी ऑफिस कोई कम बैकडेट ना हो सके। एस डी एम ऑफिस क्या है, इस वक्त चेकों का भी आता भी चैक बैकडेट कटते, अभी सारे जो महकमे चैक कटते हैं। देखो जो कोई ऑनगोइंग काम उसकी पेमेंट तो होएगी, पर नवा किसी कोई ग्रांट देनी नहीं दी जा सकती है। सो वो सारे जी स्टैप लाए ने। इस प्रकार जोड़े कोई इदा पैसे का दुष्प्रभाव है, हथियारों का कोई दुष्प्रभाव है, वी विल टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पहली गल तो बहुत ही घट बंद आग्या मिलेगी, सिर्फ असी दे रहे हैं उही लोगों जो कि बहुत ही हाईली सिक्योरिटी सेंसिटिव ने, जैंकों काम करते हैं, जो पेट्रोल पंपा जिथे लोड हैगी है। अदरवाइज बाई एंड लार्ज अभी बी आर नॉट अलाउंग एनीबॉडी।